छोड़ दोगी? छोड़ने वाली कौन सी बात? दिना दरिस रहेगी, कनपटवा रंग देगा, समझी? कनपटवा रंग देगा तुमको। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात कर रही है? ठीक है, समाज के लिए गंदा गाड़ी बन रही हो तुम। मना दो तुमको हम, जो तुम्हारे तुम्हारे जैसे जैसे होगा समाज के लिए गंदगी है। हाँ, ठीक, अपना बच्चा पति को छोड़ के यहाँ रंगरलिया मना रही है, कर रही है कि हम छोड़ दिए। किसके साथ नहीं रह रही? किसको साथ? उसको बुला, किसके साथ रह रही है? लड़का को यहाँ कैसे नहीं है? बुलाओ लड़का को, बुलाओ अभी। यहाँ नहीं है, काम पे है। सुनिए सुनिए, आप रहना क्यों नहीं चाहते हैं पति के साथ? पीते हैं, पीते हैं, मारपीट भी किए हैं, उसके बाद इनके साथ मेरे को रहना ही नहीं। सीधा बात है, हम इनके साथ रहना नहीं चाहते। शराब पीना के चलते तुम पति को छोड़ोगी? मारेगा पीटेगा तो क्या, इसको आरती उतारेंगे? रहो मायके में, रहो मायके में, कैसे मायके में रखेगा जो हमको रहेंगे? मेरा बात है, डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स हम 100 बार मांगे लेकिन मेरे को बोला तुम शादी कर लेगी। शादी हम कौन नहीं मिलेगा तो हम वहाँ से निकल गए। हम कहीं नहीं, कहीं तो आप भी सपोर्ट किए तब नहीं लड़की आपके घर में। अगर अभी आप निकाल दीजिएगा तो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। वो कही की अगर आप हमको यहाँ से निकालिएगा हम मर जाएंगे। मर जाओ, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम लगती कौन हो? मरो अभी, अभी तुम मरो। कौन है तुम्हारे हस्बैंड? ये हस्बैंड है तो रह रही हो किसके साथ? जब ये हस्बैंड है तो रह रही हो किसके साथ? जवाब दो, क्लियर जवाब दो। जब ये हस्बैंड है तो तुम रह किसके साथ रही है? इनको पूछे, मैं इनको छोड़ के क्यों आई? इनको पूछे, हम तुमसे पूछ रहे हैं, फिर इनसे भी पूछेंगे। पहले तुमसे जवाब हम मांग रहे हैं ना। मैं इनको छोड़ के आ चुकी हूँ, इनको हस्बैंड नहीं मानते। कैसा नहीं तुम मानेगी? समाज का सिंदूर का मजाक बना दोगी? मजाक नहीं बना। तीन बच्चा छोड़ के तुम कैसे आई? मैं छोड़ के इनको कितने बार डिवोर्स मांगी हूँ? मैं डिवोर्स कितने बार मांगी हूँ? शादी का है की तीन बच्चा पैदा का है की? तीन बच्चा कैसा पैदा की? फर्स्ट बच्चा इनका है, दीदी वाला का। ठीक है, जबरदस्ती शादी करे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? जबरदस्ती तुम लव मैरिज की हो? लव मैरिज कहाँ से करेंगे? माँ बाप के है ना। हाँ, इनसे माँ बाप मेरा कितना था वो तो पूछिए। तो तुम एज के चलते अपना पति को छोड़ दोगी? छोड़ने वाली कौन सी बात? दिना दरिस रहेगी, कनपटवा रंग देगा, समझी? कनपटवा रंग देगा तुमको। अभी समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात कर रही है? ठीक है, समाज के लिए गंदा गाड़ी बन रही हो तुम। मना दो तुमको हम, जो तुम्हारे तुम्हारे जैसे जैसे होगा समाज के लिए गंदगी है। हाँ, ठीक, अपना बच्चा पति को छोड़ के यहाँ रंगरलिया मना रही है, कर रही है कि हम छोड़ दिए। किसके साथ नहीं रह रही? किसको साथ? उसको बुला, किसके साथ रह रही है? लड़का को, यहाँ कैसे नहीं है? बुलाओ लड़का को, बुलाओ अभी। यहाँ नहीं है, काम पे है। फोन लगाए, कहाँ है? उसका नंबर इधर से है। शादी कब किए थे? शादी 2012 में किए थे। रीति रिवाज से किए थे? रीति रिवाज से किए थे, देवघर मंदिर में किए थे। देवघर मंदिर पारिवारिक पसंद से किए थे? पसंद से किए थे, ये मेरे अपनी साली थी। हाँ, और पसंद के साथ किए थे। क्या डायलॉग था आपका जो मेरे से शादी करवा दिया? तुम्हारे जैसा औरत से कौन शादी करेगा? पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। तो तुम जब मेरे को देखा तो तुम कहे ऐसे बोल रहा है मेरे को? तुम दूसरे के साथ क्या होगी? आपको डिवोर्स मांगे थे? आपको डिवोर्स मांगे थे? आपको 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार डिवोर्स मांगे थे? सुनो ना, डिवोर्स मांगी थी? डिवोर्स क्या बोले जी? तुमको मार देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे। डिवोर्स नहीं दिए तो तुम कैसे दूसरा के साथ रह रही? मैं चली गई, निकल गई वहाँ से, क्योंकि मार रहे थे मेरे को, फिनाइल पिला रहे थे। पूछ सकते हैं पिला रहे थे कि नहीं? सबूत क्या? मैं फोटो खींचती, मेरे को फिनाइल पिला रहे, उसके बाद हमें दिखाते। फिनाइल अगर लड़का पिलाता ना तो तुम अपने माँ बाप के साथ रहती, किसी और के साथ अभी रात नहीं बिताती। सुनिए, रात नहीं बिता रहे हम। माँ बाप को मैं बोली थी, माँ बाप का क्या डायलॉग था? तुमको पेट में दर्द, तुमको कपड़ा दे रहा, वहीं पर रहना है। नहीं करना, तुम मार दे दूचा में। मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हो। कैसे भागी है बच्चा? चौके बच्चा को लेके आए तो बच्चा को लेके भागे है मेरे से? बच्चा को सुनिए, आप रहना क्यों नहीं चाहते हैं पति के साथ? पीते हैं, पीते हैं, मारपीट भी किए हैं, उसके बाद इनके साथ मेरे को रहना ही नहीं। सीधा बात है, हम इनके साथ रहना नहीं चाहते। शराब पीना के चलते तुम पति को छोड़ोगी? मारेगा पीटेगा तो क्या, इसको आरती उतारेंगे? रहो मायके में, रहो मायके में, कैसे मायके में रखेगा जो हमको रहेंगे? मेरा बात है, डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स हम 100 बार मांगे लेकिन मेरे को बोला तुम शादी कर लेगी। शादी हम कौन नहीं मिलेगा तो हम वहाँ से निकल गए। हम डिवोर्स के लिए हम सबसे भटक रहे, हमको डिवोर्स चाहिए। एक चीज मैडम, समाज के लिए कहीं ना कहीं तो आप गंदा काम कर रहे हैं। ठीक है, गंदा काम कर रहे हैं लेकिन मरने से अच्छा है कि हम हटे गए वहाँ से। मार देता तो मार देते जी। 12 साल में आज तक कब मारे हैं बता रहे हैं आपको? 22 अक्टूबर को एक थप्पड़ मारे हैं 12 साल में। बस 12 साल में एक थप्पड़ मारे हैं? एक थप्पड़ कितना बार हमको मारा? पी के कितना बार धक्का दिए हैं? 10 बार थप्पड़ मारे। इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी मर्दाना के साथ रहने लगी बाल बच्चा को।
छोड़ के बताइए, ऐसे ऐसे औरत है ना समाज के लिए गंदगी है इसको। सुनो एक मिनट, तुमको हम जो पूछ रहे जवाब दो। हाँ, तुम पहले अपना पति के साथ रहोगी कि नहीं रहोगी? इतना जवाब दो। हाँ बोलिए ना, अपने पति के साथ रहोगी कि नहीं रहना? मुझे उनके साथ डिवोर्स चाहिए मेरे को। डिवोर्स नहीं जाएगा, तुम अभी जेल जाओ। अभी हम तुमको लेके आएंगे, लेके जा रहे हैं जेल में। लड़का को बुलाओ, लड़का का नंबर कहाँ है? यहाँ है ही नहीं तो लड़का को कहाँ से बुलाए? भगवाने वाली यहाँ भगवान है ना, कहाँ है लड़का का नंबर? मोबाइल है ना, मोबाइल होगा तो उनके पास होगा कि नहीं होगा? फोन कीजिए इसका जो जिसके साथ रह रही है ना, फोन कीजिए। अच्छा, ये समाज के लिए अच्छा चीज है चाचा, आप बताइए। एक सेकंड, चुपचाप एक बार। हाँ पहले बोलने दीजिए, मैडम को बुलाइए। हाँ मैडम सुनिए, मैडम आज से 3 साल पहले ये लड़की फिर यहाँ आई थी। हाँ। हाँ। 3 साल पहले की बात है। हाँ। पूरे गांव जानता है, मुखिया सरपंच सबके सामने मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है। हाँ। ये आई यहाँ। हाँ। मैं जबरदस्ती इन लोगों को बुला करके, और उस समय भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, जबरदस्ती हम लोग यहाँ से गाड़ी में बोरा जैसे ठूस करके भेजे कि नहीं भाई तुम अपने परिवार में जाओ। दोबारा इस बार फिर ये आई है। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप तो बुजुर्ग हैं, एक चीज बताइए, आपको क्या अच्छा लग रहा है या शोभा दे रहा है समाज के लिए? कैसे लगेगा कि कितना गंदगी एक लड़की के चलते पूरे समाज में गंदगी है कि नहीं, आप बताइए। आप इतने एजेंट हो गए हैं, ठीक है, आदमी लव मैरिज करता है उसका बाल बच्चा, सुनिए एक मिनट, लग रहा है एक मिनट सुनिए, अगर बच्चा लव मैरिज करता है तो उसका माँ बाप बेदखल कर देता है, घर से निकाल देता है, तो कहीं ना कहीं तो आप भी सपोर्ट किए तब नहीं लड़की आपके घर में। अगर अभी आप निकाल दीजिएगा तो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। वो कही कि अगर आप हमको यहाँ से निकालिएगा हम मर जाएंगे। मर जाओ, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम लगती कौन हो? मरो अभी, अभी तुम मरो। कौन लग देखे ये गलती की है, इसका सजा का हकदार आप भी है क्योंकि आप सपोर्ट किए हैं। अभी आप लोग सब जेल जाइए, क्या करेंगे? तो भोगिया इसके साथ गलती का सजा भोगेगा। हम इसे किसी वाइफ को तो नहीं ले रख सकते हैं चाचा, ले जाने के लिए हम नहीं रोक रहे हैं। इससे पहले भी इन लोगों को पूछिए, पूरे गांव है समाज है, हम इन लोगों को बुलाए। मैडम एक मिनट, हम इन लोगों को बुलाए जब इसको यहाँ लेकर आए, क्योंकि लड़का दर्द सबको होता है। आपका बेटा का नंबर चाहिए, उसको बुलाए, पूरे ये भी आए, सभी आया। हम इन लोगों को कहे कि आप गांव से 5 आदमी और मुखिया सरपंच को लेकर के आइए, और उसके बाद यहां का भी मुखिया सरपंच के पास आप पहुंच बैठिए। यहां से हम भी 5 आदमी लेकर के मुखिया सरपंच के सामने थी करेंगे, और उसके बाद दोनों मिलकर के जो फैसला कर देंगे। फैसला तो ये होना था कि फिर ले जाना है। अच्छा एक चीज बताइए, इतना गाँव वाला समाज है, क्या गाँव वाला को या जितना भी छोटे बच्चे बच्चे है ये इफेक्ट पड़ेगा की नहीं पड़ेगा? पूरा फैमिली पर इफेक्ट पड़ेगा की नहीं? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पढ़ रहा है शुरू से आज तक, कितना कांड ऐसा हो रहा है, 3-3 बच्चा 4-4 बच्चा लेकर के लोग भाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसी का इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है ना, है नहीं? कहीं ना कहीं चाचा दोषी तो है पूरी तरह से। हम इस बात को थोड़ी नहीं मान रहे हैं। हाँ। आप मान रहे हैं? कैसे बेचारा मान रहे हैं? आप नंबर बताइए इनको। मैडम सुनिए, आप कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंकित है। कलंकित है हम मानते हैं, लेकिन वहाँ पे रह के मरना अच्छा है कि हम बच्चा को, तीनों बच्चा को बोल रहे थे हमको दे दीजिए, हम अपना खुद कमा के खिलाएंगे, लेकिन डिवोर्स मांगते थे बार बार, तीनों बच्चा के साथ भी हम निकलने के लिए परेशान थे। डिवोर्स का एक प्रोसेस नहीं होता, उसके लिए आप वेट करते ना। मेरा डायलॉग क्या था इसका? जो तुमको मार देंगे लेकिन डिवोर्स नहीं देंगे, मतलब क्या है आपका? मतलब हमको मार देंगे तो आप दूसरा शादी कर लेंगे? फिर बोलती हो मार देंगे, रिकॉर्डिंग है जितने बार मेरे को बोले। सुनो अगर लड़का अगर गलत रहता तो तुम्हारा जिसके साथ सो रही हुआ आज, फिर भी इतना कुछ जानते हो समाज, मेरे गंदी लड़की फिर भी तुम्हारे पास आया है? अगले बार सुनिए, अगले बार भी ले गया था ना, सुनिए मेरा बात, बच्चा के लेने आया आदमी पेट में, मेरा बात सुनना चाह रहे ना, पेट में 56 प्रकार नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन एक बार और ले गया था तो इज्जत मेरे को नहीं दे रहा था, काम वाली समझ के मेरे को घर ले गया था। अभी भी वही चीज होगा, लेकिन मेरे को नहीं रहना, सीधा बात है मेरे को नहीं रहना। सुनिए नहीं नहीं ना, ये जल जाएगी। हाँ, इसको हम तैयार हो, चप्पल पहनिए ना, चलो। हाँ, सब तैयार है, पहले लड़का, हमको लड़का चाहिए, रुके तुम लड़का को लाइए जहाँ से आना है। लड़का यही है, बगल वाला लड़का कहाँ है? लड़का कहाँ है इसका? लड़का यही है मगर बता रहे कहाँ है आपका बच्चा, कहाँ है? बाहर गया काम पकड़ने के लिए, खोजने के लिए, काम खोजने के लिए कहाँ गया है? आप इसको रखने के लिए तैयार हैं? सच बताइए, आप रखने के लिए तैयार हैं? इसे हम रखने के लिए मजबूरी में तैयार हैं। मजबूरी में तैयार, अगर ये रहेगी तो हम इसको भगाएंगे भी नहीं, क्योंकि एक बार हम भगा चुके हैं।
हैं। अच्छा, अब दोबारा जब ये फिर रहने के लिए आई है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम यही यहाँ मरेंगे। क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। आपका खानदानी है? दहेज लेके आई है? नहीं, कैसे कह रहे हैं कि मजबूरी में रखने के लिए तैयार है? मजबूरी में रखे हुए हैं, हम कहाँ भगा दें? कहीं नहीं भगाइएगा। अब इसका बाएं बाप रखे नहीं रखे, आप रखिएगा। तैयार है? सुनिए, इसका सुनिए, इसका बहन भाई भौजाई सब तैयार है। सुनिए बुलाए सबको, इसीलिए ना हम नहीं, हमको नहीं सुना। तब क्या सुना? लड़का नहीं आया है अभी? लड़का यहाँ नहीं है। इनके पिताजी को लेकर चलिए, लड़का अपने आप।